कितना आया? 38.8 कितना आया भैया? 30.38 और ये देख लो डीजल का भाव भी यहाँ पे 93.82 रुपीज़ है पर लीटर। तो जी एक बारी वापस बहुत टाइम के बाद हमने टंकी फुल करा ली है, अब चलते हैं गुलमर्ग की तरफ। श्रीनगर से जो गुलमर्ग की रोड है वो टूटी हुई बहुत है, बीच बीच में इतने बड़े बड़े खड्डे आ रहे हैं कई जगह, और श्रीनगर से गुलमर्ग जाने में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। हालांकि किलोमीटर तो कम ही है बट फिर भी दिक्कत आती है क्योंकि एक तो रोड खराब है और फिर रोड टूटी हुई आ गई, क्योंकि इस रोड पे शायद हैवी ट्रैफिक रहता है। जो भी श्रीनगर आएगा वो चाहेगा भी गुलमर्ग जरूर जाके आए, इसीलिए यहाँ पे भी फिर सारी सड़क टूटी हुई है, कैसे चलेगा आदमी, इसीलिए 2 घंटे की ये वो है जर्नी। किलोमीटर तो सिर्फ शायद 70-80 है किलोमीटर से। अच्छा यहाँ एक बात और भी है ना, इतना हैवी ट्रैफिक रहता होगा इसलिए रोड भी जा तो टेम्परेचर कारण नहीं रुक पाती, कुछ तो है, बाकी बहुत रोड टूटी हुई है। NH701A है ना, और हो सकता है आपको मेरे कैमरे से बाहर की जो बूंदी नजर आ रही है बरसात की वो वाइपर चला दिया, बट भाई हाथ मैंने बाहर निकाल के भी वीडियो बनाया था और बहुत ठंड थी इसलिए अंदर आ गया वापस। विंडशील्ड लगी हुई तो कलर का फर्क आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत ठंड है। अब कितना डिग्री हुआ है टेम्परेचर? 10। चलना गाड़ी को, ये देखो अब 10 डिग्री शो कर रही है गाड़ी बाहर का टेम्परेचर। किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं लेफ्ट। गाड़ी लगाने की जगह पक्की वाली चाहिए। और आगे ले ले। कितने? 9 सिर्फ। फिर फिर एंट्री तो कराते हैं भाई, दो बार तो दे दिए नीचे पैसे। म्युनिसिपल कम्युनिटी गुलमर्ग है ना, ये तंगमार और गुलमर्ग लिखा हुआ है। ये सब गिड़िए का गुलमर्ग डाला मेरे साथ आपकी पार्किंग। पहचान लो जी सारों को, इधर देखो। हेलो, इतने तेज बारिश हो रही है गुलमर्ग से जा रहे हैं अब ऊपर गंडोला राइड के लिए, और देख रहे आपका अपना दिया इतनी ज्यादा ठंड है, बस मेरे हिसाब से टेम्परेचर होगा कोई 8-7-8 और ऊपर से बारिश। और एक बात और भी है, बारिश में कई दफा रोप वे को बंद भी कर देते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि भाई ऐसा काम ना हो, हमारा रोप वे की राइड आ जाए तो मजा आ जाए भाई। जो मेन टैक्सी स्टैंड है वहाँ से आपको ये बताया जाएगा कि 2.5 किलोमीटर पैदल कैसे जाओगे, बहुत तेज बारिश है ये वो, और 1000 रुपये ड्रॉप के मांगे थे, एक जीप वाला मिल गया तो उसने हमें 400 रुपये में ड्रॉप किया, और आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे से जो टोटल ये डिस्टेंस है मुश्किल से 1 किलोमीटर की है।
देखो ईश्वर से प्रार्थना तो करी थी, तो मौसम क्लियर हो गया है, बारिश बंद हो गई है और होपफुली हम ये केबल कार की राइड कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा मौसम बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि केबल कार बंद कर देते हैं। और ये चलो चलो वहाँ खींचा लेंगे, एक साथ लाइन में लग जाओ। पंकज आगे चल। कितनी भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है। ऑनलाइन बुकिंग होने के बावजूद भी हमारी ये पोजीशन है भीड़ की। क्या हुआ? यही लाइन है, लंबी लाइन है, चेयर्स भी लगी हैं, ओल्ड एज या फिर जैसे खड़े खड़े थक गए हो तो आप बैठ सकते हैं। और जब आप बैठेंगे और आपका कोई भी फैमिली मेंबर लाइन में खड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने लाइन छोड़ दी तो फिर लगने नहीं देंगे। बस आपकी फैमिली में से कोई होना चाहिए जो आपके लिए स्पॉट रोक के रखे। आप 10 जने आए हो तो एक को खड़ा कर दो, 20 आए तो भी चाहे एक को खड़ा कर दो। ये बात बिल्कुल सही है, कोई बुजुर्ग साथ हो, कोई हैंडीकैप साथ हो ना, आप उसको बिठा सकते हो आराम से। जैसा मन्नू ने बताया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लाइन में लगो। और ऐसे कोई ऑब्जेक्शन करने वाला बंदा भी यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सबको पता है कि सारों के सारा लाइन में जाना एक ही जगह है। फैसिलिटीज है यहाँ पे। अच्छा, हमारे लिखा हुआ था कि रास्ते में बंद हो जाए कुछ हो जाए तो पैनिक मत करना, ग्राउंड टीम अपने आप उसको कर देगी।